बकाया बिजली बिल का हवाला देकर शासकीय विद्यालय में बिजली सप्लाई बंद, छात्र परेशान। शिवपुरी में बिजली विभाग के द्वारा मार्च क्लोजिंग में बकाया बिजली बिल को लेकर अंचल के गांव में विद्युत लाइन काटी जा रही है और इसी दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय बरोधी में बकाया बिजली बिल का हवाला देकर पूरे गांव के साथ शासकीय स्कूल की बिजली 3 दिन से सप्लाई बंद कर दी है। विद्यालय के छात्रों का कहना है कि 1 किलोमीटर दूर गांव में लगे हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, इससे रास्ते में आने जाने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इससे पढ़ाई बाधित हो रही है। परीक्षा का समय है, 3 दिन से बिजली कटौती की वजह से टंकी में पानी नहीं आ रहा है और विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि टंकी में पानी न होने की वजह से छात्र परेशान हैं, साथ ही बिजली के फैन भी नहीं चल पा रहे हैं, इससे छात्रों का गर्मी में बुरा हाल है, छात्र बीमार हो सकते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बकाया बिजली के बिल का हवाला देकर पल्ला झाड़ते नजर आए। नाम सौरभ लोधी है, कक्षा 7। अच्छा, क्या समस्या है स्कूल में? लाइट नहीं है, गांव में से हैंडपंप से पानी भर के लाना पड़ता है। अच्छा, कब से लाइट नहीं है ये? 2-3 दिन से। अच्छा ठीक, नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र लोधी है, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। राघवेंद्र जी, बोतल हाथ में है, क्या है ये? हम गांव से पानी भर के अभी आए हैं और हमारे स्कूल में बिजली नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, तो कब से बिजली नहीं आ रही? यही कोई 2-3 दिन से। अच्छा, तो जिसकी वजह से पानी गांव में भर के नहीं जाना पड़ता है आपको? हाँ, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा ठीक। राजेश लोधी, गेस्ट फैकल्टी, MS बरोधी पे काम। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या पे 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही, बच्चों को पानी की समस्या हो रही है, पीने के लिए पानी 1-1.5 किलोमीटर गांव से या कहीं से लेके आते हैं, धूप में जाना पड़ता है, लाइट नहीं है तो फैन वगैरह भी नहीं चलते, जिससे गर्मी से पीड़ित है बच्चे। अच्छा, कब से ये समस्या आ रही है? 2-3 दिन से परेशानी है। कभी वोल्टेज नहीं आता तो मोटर भी नहीं चलती, अभी 2-3 दिन से तो लाइट आ ही नहीं रही, प्रॉपर कट कर दिए। किसी बिजली कर्मचारी को सूचित किया है आपने? बिजली कर्मचारियों को सूचित किया है हमने, वो कह रहे थे मार्च क्लोजिंग चल रहा है, इसके बाद देखते हैं।